हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेशनल चिल्ड्रन हायर सेकेंडरी स्कूल. दिस इज़ मी प्रिया शर्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फ्रेंच रेवोल्यूशन. आई हैव ऑलरेडी गिव टू वीडियोज ऑन दिस टॉपिक. दिस इज माई थर्ड वीडियो एंड इन दिस वी आर गोइंग टू स्टडी द रेन ऑफ टेरर, द डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, डिड वेमेन हैव रेवोल्यूशन. ओके, सो कमिंग टू द टॉपिक, द रेन ऑफ टेरर. रॉब्सपियर फॉलोड द पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल and eliminated the enemies of republic. So basically what happened, Robespierre made such policies which was not good for citizens. Citizens ke benefit mein wo policies nahi thi. Okay, so the policies which was made wo bahut zyada tough ho rahi thi citizens ke liye, kyunki ye jo policies thi wo basically wages jo the bahut set kar diye gaye the. अगर हम फूड ग्रेन की बात करें तो फूड ग्रेन की प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी, तो लोगों की वेजेस कम थी और फूड ग्रेन बहुत हाई प्राइस पे थे, तो वो बहुत टफ टास्क हो गया था लोगों को अपनी बेसिक नीड कंज्यूम करने के लिए. नेक्स्ट था गिल्टी वर गिलिटेंट. अब गिलिटेंट का मतलब मैं आपको पहले बताऊँ, गिल्टिन वॉज अ डिवाइस विच वॉज हैविंग टू पोल्स विथ टू ब्लेड्स, और वो यूज़ किया जाता था रॉब्सपियर की साइड से उन लोगों के लिए जो उस पॉलिसीज़ को नहीं मानते थे, जो उसकी पॉलिसीज़ को डिनाई करते थे. ओके, जो उसके रूल्स बनाए हुए नहीं मानते थे, तो उनको बेहेड कर दिया जाता था. दो पोल्स के बीच में दो ब्लेड्स होते थे जहाँ सेंटर में उनका हेड रख कर जो है बेहेड कर दिया जाता था. तो जितने भी गिल्टी होते थे, जितने लोग होते थे जो उसकी पॉलिसीज नहीं मानते थे, जो आउट ऑफ द वे जाके कुछ वर्क करते थे, तो उनको गिल्टी कर दिया जाता था. तो बेसिकली ये जो रेन ऑफ टेरर है, ये रॉब्सपियर के टाइम आया. टेरर वर्ड इसीलिए ही यूज़ किया गया है बिकॉज ये जो सिचुएशन थी, वो जो सिनेरियो, जो टाइम था, वो बहुत ज़्यादा टफ, बहुत ज़्यादा टेरर से भरा हुआ लोगों के लिए था, क्योंकि रॉब्सपियर ने ऐसी पॉलिसीज़ क्रिएट कर दी थी जो लोगों को अच्छी नहीं लग रही थी. बट अगर वो पॉलिसीज़ फॉलो नहीं करते थे तो उनको गिल्टिन डिवाइस से जो है बिहेड कर दिया जाता था. तो नाउ कमिंग टू रिफॉर्म्स बाय रॉब्सपियर. सो वॉट वर द पॉलिसीज मेड बाय रॉब्सपियर, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इन दिस टॉपिक. लिमिट सेट फॉर वेजेस, वेजेस की लिमिट सेट हो चुकी थी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. नेक्स्ट वन, रेशनिंग ऑफ मीट एंड ब्रेड्स, दिस वन पॉइंट ऑल्सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, लाइक कि ब्रेड और मीट की रेशनिंग हो चुकी थी. प्राइस वॉज फिक्स्ड एंड एवरी वन हैव टू बाय पर्टिकुलर राशन ऑन दैट पर्टिकुलर प्राइस विच वॉज सेट बाय रॉब्सपियर. नेक्स्ट वन, पीजेंट्स टू सेल ग्रेन एट गवर्नमेंट फिक्स्ड प्राइस, मीन्स पीजेंट्स वर नॉट अलाउड टू सेल देयर ग्रेन्स ऑन अनदर प्राइस, मीन्स कहीं और वो जाकर नहीं उसको सोल्ड आउट कर सकते थे. जो गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स कर दी थी उनके लिए, उन्हें उसी प्राइस पर वो अपनी ग्रेन्स को सेल करना था. नेक्स्ट वन, एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर, वाइट फ्लोर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया था, और जो ब्रेड्स थी वो होल व्हीट की जो है बनने लग गई थी. मीन्स वाइट फ्लोर का कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी, नॉर्मल जो लोग थे वो वाइट फ्लोर कंज्यूम नहीं कर पा रहे थे. नेक्स्ट वन, शटिंग डाउन ऑफ चर्चेज एंड कन्वर्टिंग इनटू ऑफिस एंड बैरिक्स, जितनी भी चर्च थे वहाँ पर सब शट डाउन कर दिए गए थे एंड दे वर कन्वर्टेड इनटू बैरिक्स एंड ऑफिसेज, ऑफिसेज और बैरिक्स में उनको कन्वर्ट कर दिया गया था. And his policy was too harsh to follow. So basically the policy which was created by Robespierre, that was too harsh, बहुत tough थी, बहुत difficult थी वहाँ के लोगों को उसको follow करने में बहुत problem आ रही थी, क्योंकि इस तरीके की जो policies थी, like specially the wages were set, क्योंकि उनकी wages बहुत set कर दी गई थी, और उनके जो rationing, अगर meat या bread की बात करते हैं, क्योंकि जो सबसे cheapest food था वहाँ वो bread था, which was consumed by everyone, हर व्यक्ति कंज्यूम करता था, एंड वो ही बहुत ज़्यादा फिक्स कर दिया गया था, बहुत पर्टिकुलर रेशनिंग हो गई थी एंड द वेजेस वॉज ऑल्सो सेटेड. तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि उन लोगों को अपना एक जो नॉर्मल कंजम्पशन का फूड है वो भी कंज्यूम करने में बहुत टफ हो रहा था. तो बेसिकली जो जितनी जो पूरी पॉलिसी थी रॉब्सपियर की, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी वहाँ के सिटीजन को. कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस. इन दिस, फॉल ऑफ जेकोबिन क्लब गेव वे टू मिडिल क्लास. जेकोबिन्स क्लब का डिस्कशन हमने पहले भी फ्रेंच रिवोल्यूशन में किया था. द क्लब वॉज फॉर्म्ड बाय वर्कर्स एंड जितने भी
मीन्स थर्ड लेवल वाले जो लोग थे वो सारे इस क्लब में थे, ठीक है। एंड जेकोबिन क्लब का फॉल होने के कारण जो मिडिल क्लास लोग थे उनमें कहीं ना कहीं एक प्रॉस्परस चीज़ें इमर्ज हुई थी, ठीक है, क्योंकि उस टाइम जेकोबिन्स क्लब की वजह से जो मिडिल क्लास लोग थे उन लोगों को बहुत इम्पोर्टेंस मिली थी, बहुत सारी चीज़ें डिसाइडेड हो गई थी, बट बिकॉज ऑफ फॉलिंग ऑफ जेकोबिन्स क्लब उनकी जो प्रॉस्परस चीज़ें थी दैट वॉज इमर्ज्ड। नेक्स्ट, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टुक अवे टू वोटिंग राइट्स। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फॉर्म, न्यू वोटिंग राइट्स वॉज फॉर्म्ड, एंड अंडर दैट जो भी बहुत ज़्यादा अनप्रिविलेज्ड लोग थे, मीन्स जिनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी, दे वर गिवन वोटिंग राइट्स, एंड ये एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जब फॉर्म हुआ तो ये वोटिंग राइट्स के भी चेंजेस जो हैं उस टाइम हुए। नेक्स्ट, State to have two legislative assemblies with five executive members. State के पास दो legislative assemblies form होने का decision हुआ जिसमें हर एक legislative assembly में five members के executives होंगे। Next, it further gave way to Napoleon, a military dictator. अच्छा, basically what happened? हमने already read किया कि Robespierre की policies जो थी वो harsh थी and बहुत टफ हो रहा था लोगों को वो फॉलो करना। सो समहाउ जो उसकी पॉलिसीज को ब्रेक करने के लिए जो नेपोलियन बोनापार्टे थे उन्होंने एंटर किया, एंड बिकॉज ऑफ दिस नेपोलियन बोनापार्टे की कहीं ना कहीं एक सिचुएशन बोल सकते हैं ना, एक लेवल है जो हाई होने लग गया, लोग जो हैं उनमें इंटरेस्ट लेने लग गए, और इस तरीके से ये सिचुएशंस जब हुई, जब इतनी बुरी कंडीशन की जेकोबिन्स क्लब जो है वो फॉल हो गया, नई पॉलिसीज क्रिएट कर दी गई हर जगह, चाहे वोटिंग राइट्स हों या इस तरीके के, तो नेपोलियन बोनापार्टे को दोबारा से चांस मिल गया वहाँ पे एंटर करने का, दोबारा अपने आप को लीडरशिप में लाने का। नेक्स्ट टॉपिक, डिड वुमेन हैव रिवॉल्यूशन। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन होल चैप्टर, बिकॉज हम स्टार्टिंग से सिर्फ रिवॉल्यूशन जो पढ़ रहे हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट मेंस, कहीं पर भी वुमेन का डिस्कशन नहीं हुआ है। तो द क्वेश्चन अराइजेस कि वुमेन्स का भी कोई रिवॉल्यूशन था या वुमेन्स ने भी कोई किसी भी तरीके का जो है पार्टिसिपेशन वहाँ दिया था? येस, वुमेन हैव रिवॉल्यूशन। सो वुमेन पार्टिसिपेटेड इन इवेंट्स, वुमेन स्टार्टेड पार्टिसिपेटेड इन इवेंट्स, जितने इवेंट्स होते थे, जितने भी रैलीज होती थी, वुमेन्स ने अपने वो इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। दे स्टार्टेड फॉर्मिंग पॉलिटिकल क्लब्स एंड दे स्टार्टेड देयर ओन न्यूज़पेपर जस्ट टू डिस्कस देयर थिंग्स, जो उनको चाहिए, जो डिमांड्स हैं उनकी, उनको कैसे वो लोगों तक लाए, तो सो दे फॉर्म देयर पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर्स। एंड नेक्स्ट, सम ऑफ द थिंग्स वर देयर, लाइक एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था विच वॉज फॉर्म्ड इन 1791, एंड इन दैट वुमेन्स ने राइट टू वोट की डिमांड की थी, बट गवर्नमेंट डिनाइड दैट डिमांड, बिकॉज इन एट दैट टाइम ओनली मेन्स गॉट द राइट टू वोट, एंड वो भी 21 अबव ईयर जो मेन थे उनको राइट टू वोट का जो है दे दिया गया था राइट्स, बट एट दैट टाइम वुमेन्स वर डिसअपॉइंटेड बाई दिस डिसीजन, एंड देयर मेन फोकस वॉज टू फॉर राइट टू वोट, मीन्स उनको वोटिंग राइट्स चाहिए थे, वो उनका मेन फोकस था, बिकॉज वो भी एक इक्वल बिहेवियर चाहती थी मैंस के कंपेरिजन में अपना भी। नेक्स्ट, गवर्नमेंट टुक फ्यू स्टेप्स लाइक कंपल्सरी एजुकेशन, नो फोर्स मैरिजेस, मैरिड टू बी रजिस्टर्ड, डिवोर्स मेड लीगल एंड अप्लाइड बाई मैन एंड वुमेन। जब इस तरीके की पॉलिटिकल क्लब्स बने, न्यूज़पेपर्स फॉर्म हुए, उनकी बात गवर्नमेंट तक पहुंची, तो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट थी जो उस टाइम, उसने कुछ स्टेप्स लिए, लाइक स्कूलिंग कंपलसरी कर दी उनकी, फोर्सफुली जो मैरिज करवाते थे पेरेंट्स वो प्रॉपरली बंद कर दिया गया। नेक्स्ट था डिवोर्स जो है, सॉरी मैरिजेस जो हैं वो रजिस्टर्ड होने लग गई, जिससे कल को अगर उनके हस्बैंड्स उनको किसी भी तरीके से परेशान करते हैं या फिर वो कहीं और नेक्स्ट अफेयर करते हैं तो वो उन पर लीगली जो है उन पर कोई एक केस कर सकें। तो जो मैरिजेस थी वो रजिस्टर्ड होने लगी, डिवोर्स को भी लीगल कर दिया गया, एंड वो दोनों साइड से जो है डिवोर्स लिया जा सकता था। मींस पहले जो था सिर्फ डिवोर्स मेन दे सकता था, वुमेन को राइट नहीं था, बट उसके बाद कुछ एक पॉलिसीज चेंज होने के बाद डिवोर्स जो है वो लीगल कर दिया गया, एंड इट वॉज इट कैन बी टेकन बाय मैन और वुमेन, मीन्स कोई भी उसको जो है अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स मेन द मेन एम वॉज
टू गेट पॉलिटिकल राइट्स. वुमेन्स का मेन एम यही था कि दे रियली वॉन्ट द पॉलिटिकल राइट्स, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, लाइक दे वॉन्ट द प्रॉपर सीट इन लेजिस्लेटिव. उनको लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो मेम्बर्स थे फाइव जो काउंसिल्स की, एग्जीक्यूटिवस की, वहाँ पर भी उनको अपनी पोजिशन चाहिए थी. सो इट वॉज गिवन बाय गवर्नमेंट, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स वॉज गिवन बाय गवर्नमेंट. एंड नेक्स्ट एट लास्ट इन 1946 दे फाइनली गॉट राइट टू वोट. मीन्स जो उनका मेन रिवोल्यूशन था, मेन जो टॉपिक था, वो राइट टू वोट का उनको 1946 में उनको मिल गया. सो विद दिस वी हैव कंप्लीट दिस टॉपिक. डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक्स, आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.